सहनो नौनों सह वी कर्वा वह ओम तमस्त मिषा वह ओ शांति शाति शांति जीवन पद्धति अर्थात वैज्ञानिक पद्धति जो पूर्ण प्रामाणिकता के साथ जीवन को जीना चाहते हैं पूर्ण संतोष के साथ पूर्ण समरसता आनंद के साथ यश कीर्ति के साथ जीवन को जीना चाहते हैं उनके लिए श्रुति परम प्रमाण है वेद परम प्रमाण है इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है हम इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते करते अपने मन के विकारों पर गलत विचारों पर पूर्ण नियंत्रण पालें तथा अपने से जितना इस संसार का भला हो सकता है उस भलाई के कार्य में भलाई के कर्मों में शुभ कर्मों में कभी आलस्य प्रमाद ना करें इसका हम सतत ध्यान रखें बहुत ही सुंदर वेद चर्चा चल रही है और निरंतरता से हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तीसवें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे जिसमें अलग अलग वेद मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया था आज पुनः उसी क्रम को उसी सूक्त को आगे पढ़ रहे हैं जो प्रभु से अपनी प्रीति लगाता है वह मनुष्य मर्त न रह करके अमर हो जाता है प्रभु की शरणागति को प्राप्त जो करता है वो शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है अंदर के भी काम क्रोध लोभ मोह की जो प्रवृत्ति है जो हमारी अंतःकरण की स्थिति है उसमें भी यदि हम विकसित और परिपक्व बनना चाहते हैं तो प्रभु का प्रिय आचरण उनके द्वारा दिए गए जान का हम आदर करें और उसको अपने वाणी में अपने शरीर के कर्मों में मन में भी उसका आधान करें जो दानवी हैं प्रवृत्तियां उनसे भी हम बचें प्रभु जान की प्रचंड ज्वाला वाले हैं उसमें उपासक की सब दानवी वृत्तियां दग्ध हो जाती हैं ऐसा हमने पढ़ा था और आज हम आगे चल रहे हैं तीसवें सूक्त के आठवें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि जो हम स्वप्न की समाप्ति पर उषा की अर्थ जागृत स्थिति को शीघ्र समाप्त करके जागृत स्थिति में आने का प्रयत्न करें ताकि जो पाप वासनाएं हैं उनसे आक्रांत ना हो यह एक व्यवहारिक बात यहाँ पर हमको समझनी चाहिए जीवन में रात्रि का समय स्वप्न अवस्था में बीतता है अचेतन सी अवस्था होती है इसलिए उस समय पाप की संभावना नहीं रहती दिन में जागृत हो जाने से पुरुष पापों से अपना बचाव कर लेता है उषा काल जो ऐसा काल होता है जो कि ना स्वप्न का और ना ही पूर्ण जागरण का होता है तो मैं वेद मंत्र लिखता हूं क्योंकि दो तीन वेद मंत्र इसी से संबंधित हैं और हम प्रभात में क्यों जागें ये भी एक इससे हमको जान मिलेगा क्योंकि अनिष्ट का जो कार्य है वह उसी समय होता है तो पाप वासनाओं से हम बचे इसके लिए दो तीन मंत्र, हैं। मैं प्रथम मंत्र को यहां पर जो है आपके समक्ष पहले रख रहा हूं ओ एत वीर इंद्र चकर्था पंशम स्त्रियम युव वधीर दुहितरम दिवहा जब हम रात्रि में सो जाते हैं तो भी पाप की वृत्ति हमारे मन में नहीं रहती दिन में जब जागृत होते हैं पूर्ण रूप से तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम समझते हैं क्या सही है क्या गलत है और क्या करना है क्या नहीं करना इसके लिए हम व्यवस्थित रहते हैं परंतु जब मध्य का समय जो होता है जो उषा काल है जो ब्रह्म मुहूर्त है रात्रि तीन बजे से लेकर के कम से कम पांच बजे तक ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जागरण का समय होता है जो उपासक होते हैं सच्चे साधक होते हैं वो तीन बजे साढ़े तीन बजे चार बजे उठ जाते हैं परंतु जो वासनाओं के मारे होते हैं जो आलसी होते हैं प्रमादी होते हैं वे लोग इस समय ना तो गहरी नींद में होते हैं और ना जागृत अवस्था में होते हैं वे इस समय ऐसे मंद समय जो हमको न जागरण का बोध है और न सोने का बोध है तो न पूर्ण जागरण की स्थिति होती है न पूर्ण शयन की स्थिति होती है इसको काव्य में भाषा में इस प्रकार से कहेंगी उषा के रथ का जो विदारण करके आगे बढ़ता है उषा तो मानो हमें काम आदि वासनाओं से संतिप्त करती है उसका वध आवश्यक है इसलिए मंत्र में कहा कि हे इंद्र जितेन्द्रीय पुरुष उत और निश्चय से तू जीवन को पवित्र करने वाले शक्तिशाली कर्म को करता है और हमारे भयंकर जो है नाश को चाहती हुई हमारे जीवन और इस जगत की जो अकल्याणकारी जो इच्छा है इस वासना की तो इसको समाप्ति ओर ले जाने वाले हमारे संघात की जो कारणभूत इस उषा को तो नष्ट करते हो अर्थात उषा को नष्ट करके जीवन में जान सूर्य का उदय करके पाप वृत्ति से ऊपर उठाते हैं आशय इस बात का हमको समझना चाहिए यहाँ पर कि प्रभात में यदि व्यक्ति के जो वासना से युक्त विचार होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं और वासना से प्रबल हुआ हुआ व्यक्ति इसी समय अधोगति को प्राप्त होता है कामुकता को प्राप्त होता है और युवाओं में या युवतियों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं इसलिए प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साधना का उपासना का स्वर्णिम समय बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे इस समय सोए नहीं इस समय जागृत होकर के पूर्ण सजग होकर के इसको निसंदेह करना है और इसी प्रकार से नवे मंत्र में भी अर्ध चेतन अवस्था का विनाश ऐसा भाव यहां पर उद्धृत किया है कहा है कि दिवस सिद्धा दुर्म महान महीय मानाम उषा समिंद्र सा अर्थात हे इंद्र जितेंद्रीय पुरुष तू महान उस मह पूजायाम प्रभु पूजा की वृत्ति वाला बन प्रभु की उपासना करने वाला बन वासना से बचने के लिए प्रभु की उपासना परम आवश्यक है इसलिए यह परम आवश्यकता है कि जिससे चित निश्चय से तू उषाम उषा को संपिणक संपिष्ट करने वाला होता है इस अर्ध जागृत स्थिति को समाप्त करके तू जागृत स्थिति में आ जाता है यह उषा दिवा दुहितरम स्वप्न की जो पुत्री एक प्रकार से स्वप्न अवस्था से इसकी उत्पत्ति होती है स्वप्न के अनंतर आने वाला यह पूर्ण जागृत न होने से हमारे पापों के उदय का कारण बनता है सो इसका विनाश आवश्यक है या पूर्ण जागरण के अभाव में बड़े बड़े स्वप्न देखती लोग कहते हैं कि सुबह सुबह जो स्वप्न देखता है वो सत्य हो जाता है लेकिन सुबह सुबह स्वप्न क्या देखेगा व्यक्ति? जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखेगा वो स्वप्न क्या होता है स्वप्न वो है जो हम अपने वासना से युक्त या जो अपने भाव जैसा रखते हैं वैसी ही वृत्ति बनती है और वैसे ही वृत्ति से युक्त व्यक्ति स्वप्न देखता है जो हमको पतन की ओर ले जाता है हमको भय की ओर ले जाता है हमको उत्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है इसलिए हम पूर्ण जागृत हो उस समय पूर्ण सावधान सजग हो ब्रह्म मुहूर्त में सोना उचित नहीं है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सोने का तात्पर्य यह है कि पतन की प्राप्ति वास्तविक स्थिति से सदा ओझल रहती है जो हमारी वास्तविक स्थिति होनी चाहिए उसको हम नहीं प्राप्त कर पाते और अलग अलग स्थितियों में अपने जीवन को जीते रहते हैं एक जितेंद्रीय पुरुष को चाहिए कि रात्रि समाप्त होने पर पूर्ण जागृत स्थिति में आने का प्रयत्न करे अर्ध चेतन अवस्था में व्यर्थ के गर्व को ना अनुभव करता रहे अर्थात जो वास्तव में सत्यता नहीं है जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है जब हम अर्ध चेतना में होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अर्ध चेतना होती है तो उस समय व्यक्ति को ना गहरी नींद आती है और ना वो जागृत अवस्था में रहता है मध्य की स्थिति होती है विचार चलते रहते हैं स्वप्न आते रहते हैं और वो स्वप्न हमको गर्त की ओर ले जाते हैं या झूठे अहंकार की ओर ले जाते हैं तो इनसे बचने का उपाय क्या है साधना का उपाय है और हमको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे उसके लिए भी हमको सुबह सुबह उठना चाहिए रात्रि में जल्दी शयन करें प्रभात में जल्दी उठें जिससे हम स्वप्न से बचें जो स्वप्न न हमको सही मार्ग पर ले जाएंगे वो स्वप्न ना हमको आनंद से सुख से परिपूर्ण करेंगे क्योंकि जैसे ही नींद खुली हम जागृत हो गए स्वप्न का कोई अतापता नहीं रहता है लेकिन वह हमको पतन की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त साधन जुटा लेता है अर्थात ऐसे भाव ऐसे विचार ऐसे मानसिकताएं हमको सताती हैं और हम वासनाओं में फंस जाते हैं इसलिए बहुत सुंदर बात आगे भी कही कि ओम अपोषा अनसहा सरत संपिष्टा दहा दहाूषी था द्वशा। ये बात कही कि जब निश्चय से वृषा शक्ति का अपने अंदर सेचन करने वाला इंद्र उषा के शकट को हिंसित करता अर्थात शीघ्रता से पूर्ण जागृत स्थिति में आने का यत्न करता है तो निश्चय से उष यह वासनाओं से संतिप्त करने वाला काल क्षण विभ्यूषी मानो भयभीत हुए हुए समपिष्टाद अनसहा पिसे हुए शकट से अप असरत दूर भाग जाता है अर्ध चेतन अवस्था को परे फेंक कर के जाग उठना ही शीघ्र है इसी से हम वासनाओं से संतिप्त होने से बच पाएंगे इस प्रकार अर्ध चेतन अवस्था को परे फेंकना ही उषा के रथ का संपेषण है उषा के रथ का संपेषण करके हम पूर्ण चेतनावस्था में आने का प्रयत्न करें यही वासनाओं से असंतप्त होने का मार्ग है यदि हम उषा काल में उषा जो हमको उषदा है हमको पीड़ित भी करती है और जो उठ करके उस साधना में लग जाता है उसको बहुत दिव्यता से भी भर देती है तो यह काल हमारे लिए काल ना बन जाए ये जो प्रभात का समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय है इसमें तत्काल उठना चाहिए तत्ण उठना चाहिए जैसे नींद खुली अपने आप हम सजग हो जाएं, तो ये बहुत सुंदर चर्चा है और बात क्या कही कि हम इस समय आत्म प्रेरणा से युक्त हों इस ग्यारहवें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही इसको मैं लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा ओम

संपिष्टम विपाश्या विपाश्या ससार सीम परावतः ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तीसवें सूक्त का यह ग्यारहवा ओत्या अन्हाशय सुसंपिष्ट विपाश्या ससारसी ओम ससारसीम बहुत सुंदर प्रार्थना की है कि हम प्रातः जागे तो अपने को निम्न प्रकार से आत्म प्रेरणा देते हुए पूर्णतया जाग उठे अस्या इस उषा का एतत यह शकट विपासी एक एक पास से छिन्न भिन्न कर देने पर सुसंपिष्टम सम्यक चूर्णित हुआ हुआ आशय इधर उधर चारों ओर तितर बितर हुआ पड़ा है यह उषा सीम निश्चय से परावत ससार सुदूर देश में निकल गई अब मैं जाग उठा हूं अपूर्ण जागृति में उत्पन्न होने वाली वासनाएं अब मुझे संतिप्त नहीं कर सकती मुझको पीड़ा नहीं दे सकती हैं सुबह कैसे हम प्रार्थना करके उठें और एक एक कार्य के लिए हम अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से युक्त करें सुबह जब उठते हैं तो सुबह उठ के हम अपने जीवन की यात्रा को आरंभ करते हैं क्योंकि एक दिन एक जीवन के बराबर होता है एक दिन एक जीवन के बराबर होता है और हम उसको कैसे जीवन में अच्छा बन करके अपने जीवन को सच्चा बना करके जिए इसके लिए परम आवश्यक है कि सुबह का आलस से हमको दबोच न लें सुबह का आलस से सुबह की जो हमारी कुवासनाएं हैं हमको कहीं ऐसा ना करें कि हम उठ ही ना पाए अर्थात धराशायी हो जाएं बुरे विचारों में बुरी संगति में ऐसे दब जाएं कि मानो कि हम उठ ही नहीं पाए अर्थात सुबह यदि हम जागरण नहीं करते हैं तो वासनाएं हमको आकर के दबा लेती हैं। और अलग अलग प्रकार से युवाओं में अलग अलग प्रकार के मन के शरीर के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जल्दी से उठते हैं तो सुबह सुबह का जो वातावरण होता है बिल्कुल अमृतमय होता है तो अमृत वेला हमको उठना चाहिए जब आलसी बनकर के हम सोते नहीं हैं जागते हैं तो उससे दूसरों को भी विशेष रूप से लाभ मिलता है अर्थात हम अपने समय का सदुपयोग कर पाते हैं सुबह यदि उठते हैं तो स्वयं भी ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं जब हम उठ करके आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और जब सुबह सुबह नहीं उठते हैं तो उससे आलस्य प्रमाद आता है पेट साफ नहीं होता है विबंध कब्ज की समस्या होती है स्वप्न दोष होते हैं और शरीर हमारा कृषकाय हो जाता है तेजहीन हो जाता है जो सुबह सुबह नहीं उठेगा वो तेजहीन हो जाएगा सुबह सुबह यदि जागरण नहीं करेगा सुबह सुबह यदि साधना नहीं करेगा यदि जो उसका कार्य है वो उसका संपादन नहीं करेगा तो वास्तव में वह भोगी होगा वह रोगी होगा वह कभी भी आत्म सम्मान को प्राप्त नहीं होगा उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रेन कहा जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है उठ नींद से अखिया खोल जरा और अपने प्रभु से प्रीति लगा यह प्रीति करण की रीति नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब कहा जो सोवत है तो इस प्रकार से हम संकल्प से युक्त होकर के सुबह सुबह उठ जाएं और फिर सोए नहीं पूर्ण जागृत हो जाएं तो यह संकल्प से होता है आत्म प्रेरणा से होता है कि मैं बिल्कुल दिव्यता से भव्यता से युक्त हूँ और यह सुबह सुबह जो मुझको वासनाएं आकर के बुरे विचार आकर के या स्वप्न आकर के दबा रहे हैं इनको छिन्न भिन्न कर दें, उषा उष दाहे इनको संपूर्णता से इनका नाश कर दें और जान के विवेक के वैराग्य के रथ पर आरूढ़ों ताकि उससे प्रचंड जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश जिस ज्ञान का प्रकाश है इससे वासना अंधकार मिट जाए और मैं पूर्ण रूप से सुंदर सुव्यवस्थित अनुशासित संयमित जीवन को जीने वाला बन जाऊं यह जान नदी का प्रवाह भरपूर रूप में बहने वाला हो यह सदा ऐसा ही विशेष रूप से हमारे जीवन का उद्धार करने वाला हो क्योंकि इसके ही साथ जीवन का और इस जगत का हम कल्याण कर सकते हैं इसके बिना नहीं कार्य हो सकता है बहुत सुंदर बात कही है प्रातः उठ के जो प्रभु गुण गाएगा वो जो जग में अमर फल पाएगा चले आधिया टूटे गमों के पहाड़ कोई अपनी जगह से न लाएगा प्रातः काल उठ के जो प्रभु गुण गाएगा दुख दर्द सभी मिट जाए पग चूमती रहे सफलताए लिए मन में लगन हुआ धुन में मगन उस प्रभु की शरण में जो आएगा प्रातः काल उठ के जो प्रभु गुण गाएगा यह दुनिया है किरान बनाई कोई कारीगर देव न दिखाई इसे पालता है कौन और संभालता है कौन सभी उलझनों के भेद खुल जाएगा उठ के जो प्रभु गुण गाएगा वो ही जग में अमर फल पाएगा तुम चाहो जो पथिक सुख पाना कभी और किसी के द्वार न जाना तुम चाहो जो पथिक सुख पाना कभी और किसी द्वार पे न जाना भर प्रभु के भंडार धुमाधार लगातार चहु और से आनंद बरसाएगा प्राता उठ के जो प्रभु गुण गाएगा वही जग में अमर सुख पाएगा चले आधिया हजार टूटे गमों के पहाड़ कोई अपनी जगह से नहीं लाएगा ये जो प्रभात का वेला है जो प्रभात की सुहावनी जो है स्थिति होती है उषा काल की स्थिति होती है इसमें हम अपने आप को जगाएं अपने आप को संवारे अपने आप का निर्माण करें तभी जाकर के जीवन हमारा सफल होगा और एक एक पल हम अपने लिए स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी अच्छा बन पाएंगे और विषयों में हम कभी भी नहीं फंसेंगे सुबह सुबह उठ के जो हमारी ऋषि परंपरा है योग यज्ञ ध्यान संध्या हवन और अपने साथ साथ इस लोक का भी कल्याण हम करें इसके लिए हमको आलस्य प्रमाद छोड़ करके ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं सोना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में जो सोएगा वो भाग्य को खोएगा रोएगा पछताएगा फिर भी उसका कभी कुछ भी उद्धार नहीं हो पाएगा हम प्रभात में जागे ब्रह्म मुहूर्त में अमृतमय वेला में उषा काल में पूर्ण जागृत हो जाए आलस्य प्रमाद छोड़ दें तो ये तीसवें सूक्त के कई मंत्र जो हमको ये प्रेरणा देते हैं कि सुबह सुबह सोना नहीं चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उषा काल में कामुकता आकर के दबोच लेती है वासनाएं आती हैं। यदि हम अर्ध निद्रा में रहेंगे तो पतन निश्चित रूप से होगा क्योंकि उस समय हमको स्पष्टता नहीं होती है, और हम कामुकता में फंस जाते हैं और पतन को प्राप्त होते हैं हम उत्थान को प्राप्त हो हम उत्कर्ष को प्राप्त हो उन्नति को प्राप्त हो इसलिए जीवन मिला है तो एक, एक शिक्षा तो हमको कम से कम लेनी चाहिए और एक भी यदि उपदेश हम अपने जीवन में उतार लें, उसी बेड़ा पार हो जाएगा तो सुबह सुबह सोना नहीं है आत्म प्रेरणा से जागृत हो जाना है बस नींद खुली और तुरंत एक क्षण में शैया छोड़ दिया और अपने कार्य में लग गए तो आगे और हम आगे चर्चा करेंगे इसी भाव के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ओम शांति शांति शांति